करना है। तो सर ये स्क्रीन में शेयर करना चाहता हूँ, ये जी जी आपका, मैं आपको मूवी दे देता हूँ, इसको होस्ट कर देता हूँ। जी मैंने आपको होस्ट कर दी है स्क्रीन के, आप शेयर कर दें, और जो न्यू पार्टिसिपेंट ऐड होंगे उन्हें भी आपने ऐड करना है जब तक आप होस्ट हैं। ठीक है। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स? ये सारा आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा हमारा पाकिस्तान अफेयर्स में से जिस जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, तो आई टोल्ड देम कि पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक मोहम्मद बिन कासिम से पहले वाला दौर, फिर सारा मुस्लिम एरा आपका आ जाता है, फिर प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज पोस्ट पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के बाद वाले। अच्छा मैंने आपको बताया था कि द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर इज टू एंटिसिपेट द क्वेश्चन, कि आपको पता हो कि जी एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। पोस्ट पार्टीशन से आपको जो मोस्टली सवाल आएंगे दैट विल बी ऑफ द नेचर के जी देखें, नया मुल्क बना है तो हर चीज फर्स्ट टाइम वहां पे हो रही है, जैसा फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ, हु वाज द फर्स्ट फलां, हु वाज द फर्स्ट दिस एंड दैट, और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछेगा। हमारा कैपिटल कब बना, हमारा पहला वजीर आजम कौन था, अच्छा जी पहला प्रेजिडेंट कौन था, मतलब ये जो है ना क्वेश्चन फर्स्ट वाले जिनके साथ फर्स्ट आता है, मोस्टली पोस्ट पार्टीशन से आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। एंड अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं मेरी बात, आप मॉडल पेपर्स खोलें, पीपीएससी के पास पेपर देखें, आप पेपर कोई दें तो आप मोस्टली देखेंगे कि क्वेश्चन इस नेचर से वो सेट करता है, पोस्ट पार्टीशन जो है ना उसमें आ रहा। तो हैविंग सेड दैट, तो मैंने जो आपको लेक्चर दिया था लास्ट टाइम, तो उसमें बेसिकली इसी पर स्ट्रेस किया था। सो ऑन द एज पर द विश ऑफ सम स्टूडेंट्स, मैंने इसको दोबारा से ज़रा लेक्चर को मैंने रिफ्रेस किया है, दोबारा मैंने इसको ज़रा बेसिकली इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। स्लाइड्स में गिवन द स्कैर्सिटी ऑफ टाइम, तो स्लाइड्स में सारा कुछ नहीं है, बट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट डू नॉट स्ट्रेस टू मच ऑन द स्लाइड्स। देखें स्लाइड्स वंडरफुल हों, कॉन्सेप्ट आपको जो है वो आपको चीज़ यहाँ से सीखे ना वो भी आपको फायदा नहीं है, सारा आपने स्ट्रेस स्लाइड्स पे नहीं देना। द रियल थिंग यू हैव टू लर्न इज टू एंटिसिपेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन तक आप पहुंच के जी किस तरह का। सब इससे जरा जूम कर लें, आपके स्लाइड जो काफी स्मॉल साइज में, उसके नीचे से जूम कर लें। स्मॉल साइज में आ गई जी, स्मॉल साइज में आ रही है। एक मिनट सर, अब ठीक है, अब ठीक है, सही है, चलें चलें ठीक हो गया। उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, मैंने आपको बताया था कि टॉपिक्स आपके ये हैं कि आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए कि आपके मिलिट्री चीफ्स आपके वो फर्स्ट कौन हैं, फर्स्ट मिलिट्री चीफ, फिर उसमें जो है वो फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री चीफ पूछ लेता है। तो आर्मी चीफ का मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ में आपके, बिकॉज इट इज़ अ न्यू कंट्री, सो द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज फ्रैंक वॉल्टर मेसरी, ठीक है। और लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सो ऑब्वियसली यू कैन व्यू इट बैक, एंड ये कोई इतना मुश्किल नाम नहीं है, फ्रैंक वॉल्टर मेसरी। सेकेंड वॉज जनरल डगलस ग्रेसी, और ये वो होते हैं जनरल डगलस ग्रेसी जो बेसिकली जब कायदे आज़म इन्हें कहते हैं कि जी आप कश्मीर पे अटैक कर, जो इंडियन फोर्सेज हैं कश्मीर में उन पर आप अटैक करें, तो ही रिफ्यूज टू ओबे द कमांड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म। और जो थर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं वो हैं मुस्लिम आर्मी चीफ, फर्स्ट मुस्लिम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान। आपको क्वेश्चन पूछेगा एंड आप बेशक बैट लगा रहे हैं इसमें से, और मोस्टली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन तीन आर्मी चीफ में से उसने पूछे हुए हैं, ठीक है। एंड अब देखें ना, आर्मी चीफ का क्वेश्चन है ये मोस्ट पॉपुलर है, इसके बाद वो नेवी का पूछ लेता है, एयरफोर्स पर्सनल का पूछ लेता है, तो इट इज़ नॉट हार्ड टू बेसिकली अंडरस्टैंड और गेट द इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको शॉर्ट फार्मूला भी बताया था कि इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, और आप से कोई चीज़ अगर आप मिस कर जाते हैं क्लास में, आप नहीं हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इजिली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ
पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको जॉट डाउन किया हुआ है। जो नेवी के हैं हमारे फर्स्ट चीफ जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड, और सेकंड आपसे पूछेगा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, हाजी मोहम्मद सिद्दीक। आप एयरफोर्स में आ जाएं, एयरफोर्स में फर्स्ट हमारे जो हैं चीफ एयर चीफ पेरी केन, PERY KEN, ये आप लिखते जाएं बेशक, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो यू कैन स्टिल व्यू इट ऑन द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं मैंने इसमें मैंने मोस्टली प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेस की है और उनके साथ साथ जो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड। अच्छा, पहले आपके चार एयर चीफ जो हैं वो आपके गोरे होते हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम होते हैं। जो आपका फिफ्थ एयर चीफ है एयर मार्शल असगर खान, ये आपके फर्स्ट मुस्लिम एयर चीफ भी होंगे, ठीक हो गया। फिर पोस्ट पार्टीशन में आई टोल्ड यू कि आर्मी के आपने चीफ सेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बैंक चाहिए, आपको बैंक चाहिए मुल्क चलाने के लिए, एंड ऑब्वियसली उसमें 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश होता है। और आपको पता है कि आपको फिस्कल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? एनी आइडिया? क्विक स्टूडेंट्स, किसी को पता है? सर, 1 जुलाई से। 1 जुलाई, और आपको 1 जुलाई 1948 को ही आपका जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनता है, इसका फर्स्ट गवर्नर होता है जाहिद हुसैन, ठीक है। और देखिए, टॉपिक कोई भी हो, असल बात वही है ना कि आपको वो आर्मी के टॉपिक हो, सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक हो, स्टेट बैंक का टॉपिक हो, उसने आपसे फर्स्ट 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 वाले ही पूछने। अगर वो इस चीज़ को उसने छेड़ा, अगर इस मैदान में अगर वो आया तो उसने वो यही चीज़ें पूछनी है। तो हमारे बेसिकली तैयारी का स्ट्रेटजी भी यही है कि इसको हमने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने टैकल करना है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश होती है 1937 में, ठीक है। अच्छा, जस्ट आपके पास एक फूड फॉर थॉट है, या फिर आप कह लें छोटी सी इंस्टेंट असाइनमेंट है कि डू चेक व्हेन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ये आप चेक करें और आप जो है वो इसका आंसर बताएं। आई नो द आंसर बट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ असाइनमेंट, ये कब एस्टेब्लिश और बिकॉज ये असल है PPSC तो 1 मई 1937 को आई थिंक एस्टेब्लिश 1935 के एक्ट के तहत जब ये इंप्लीमेंट होता है ना उसके तहत ये बनती है, ठीक है। आप सही कह रहे हैं। बाकियों को भी मेरा बेसिकली मैं यही असाइनमेंट दूंगा कि आप भी जो है ना इसको वेरीफाई करें, इस फैक्ट को इसको चेक करें, क्योंकि ये भी उसने पूछा हुआ है व्हेन वाज FPSC एस्टेब्लिश, ये रियल क्वेश्चन है इसका PPSC का। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आ जाएं, आई टोल्ड यू 1937 में एस्टेब्लिश होती है। अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो आप अभी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखते हैं ना, पहले यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ये यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, जो फ्रंट बिल्डिंग है ये एस्टेब्लिश होती है 31 दिसंबर 1993। और आपको पता है कि पहले ये कराची में थी, फिर रावलपिंडी भी शिफ्ट हुई, और अभी जो है करंटली ये 1993 में जो है वो अपनी प्रेजेंट लोकेशन में शिफ्ट हुई है। फिर हम जो है वो गवर्नर जनरल्स पे आ जाते हैं। ये तो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर जनरल उनका इतना लंबा टेनोर नहीं है। मैंने आपको बताया कि टोटल आपके चार गवर्नर जनरल थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? कायद अजम मोहम्मद अली जनरल। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा फर्स्ट, मतलब ये बड़ा बहुत कॉमन नॉलेज है। उसमें जो कायदे आजम के बाद हैं गवर्नर जनरल वो आपके हैं ख्वाजा निजामुद्दीन, ठीक है। ख्वाजा निजामुद्दीन आपके पहले गवर्नर जनरल भी हैं और कुछ और भी हैं, एनी आइडिया? सेकंड PM जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉरी, ये सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं, सेकंड PM भी हैं। यस, मैंने शायद उसको फर्स्ट गवर्नर जनरल बोल दिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल आपके कायदे आजम है, सेकंड PM एंड सेकंड गवर्नर जनरल एज वेल, ठीक है। थर्ड गवर्नर जनरल आपके हैं मलिक गुलाम मोहम्मद 1951 से लेके 55 तक। फोर्थ गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा,
1955 से मार्च 1956 तक गवर्नर जनरल, मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक ये आपके पहले प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है वो गवर्नर जनरलशिप ये खत्म कर देते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, पहला अब यहाँ से आपने अंदाजा लगाया होगा, जिससे मैंने आपको भी कहा कि ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन ही आने। तो दूसरे सर थर्ड का नेम बोलिएगा जरा जी, थर्ड गवर्नर जनरल का नेम बोलिएगा सर। भले गुलाम मोहम्मद, ओके सर। फोर्थ हो गए मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, ठीक है। अच्छा, अब वो फिर नेक्स्ट एरिया में आता है, वहां पे भी वो फर्स्ट फर्स्ट वाले पूछेगा, जैसा फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। अब मेरे पास बास जगह पे इंडोनेशिया है, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ईरान। ईरान जो है वो फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, लिहाजा यस सर, बुक्स में भी ईरान लिखा हुआ है, जो 9th 10th की बुक्स है। बास जगह पे जो है वो कुछ और कंट्रीज भी है, लेकिन जो शाह ऑफ ईरान है, शाह ऑफ ईरान वाज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान ऑन मार्च 1950, ठीक है। और नया मुल्क है, आपको एक नया झंडा भी चाहिए, फ्लैग भी चाहिए आपको। पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया था? अमीरुद्दीन के द्वारा, ठीक है। तो इसको 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया, और कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने व्हेन ही वाज पाकिस्तान 15th अगस्त, ओके। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपकी ये जो मैंने अभी नाम लिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसमें टोटल आपके 69 मेंबर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर फीमेल सीट्स भी बढ़ा देते हैं, तो इट वेंट फ्रॉम 69 to 79। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक रेकमेंड भी कर दूं सोर्स, स्टिल अगर आपने इसको डिटेल में करना है तो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर आप डिटेल में भी कर सकते हैं। लेकिन वहां से मैंने फिल्टर आउट करके, आपने मेहनत करनी थी आपके से कि मेहनत मैंने कर ली है, मैं आपको फिल्टर आउट करके जो है मटेरियल, ठीक है। तो यही तो मैंने आपको भी बातें बताई हैं कि 11th अगस्त कायद अजम वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ऑन 15th अगस्त ही वाज सोन इन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेशनल एंथम का भी लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, नेशनल एंथम इसमें आपके टोटल टोन्स हैं, और अगर आप प्ले करें इसे नॉर्मल स्पीड पे तो आप 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं इसकी। अच्छा, पहले किसी चीज के लिरिक्स आते हैं, फिर टोन आती है, एग्री, लेकिन आपके नेशनल एंथम के पहले आपके इसकी पहले टोन आई है, बाद में लिरिक्स आए, तो ये थोड़ा सा जरा स्ट्रेंज है। इसकी जो टोन है 1949 वो कंपोज करते हैं, लिरिक्स कौन बनाता है एनी, और ये बड़ा प्रॉबेबल क्वेश्चन है, और ये फीस जलंधरी, फीस जलंधरी, यस। अच्छा, ये सारा फारसी में, एक वर्ड उर्दू का है बस, वो है का, काफ अलिफ, का का लफ्ज़। तो 1954 में इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है। सो अब देख लेना आपने कितनी चीजें फर्स्ट वाले उसमें वो जो है उस कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ी है, फर्स्ट नेशनल एंथम, फर्स्ट फ्लैग, प्लस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट दिस एंड फर्स्ट दैट। अब आपको एक डायरेक्शन भी मिल गई है, देखें, द टास्क इज टू एनेबल यू टू हेल्प योर सेल्फ, क्या आप बेसिकली अपनी हेल्प आप खुद कर सकें, तो सो उसको एनेबल करने के लिए जो आपने फोकस करना है, दैट इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक। फिर इसमें जो है वो हम अगर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स में मैंने ज़रा ज़्यादा इस लेक्चर में फोकस किया है, और सर परमिशन है थोड़ा सा हम ऊपर ले लें टाइम, क्योंकि मैं ज़रा ये फिनिश करवाना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर्स। आप ले टाइम, नो प्रॉब्लम, करें कवर आप। अच्छा जी बच्चों, ये आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स पे, ठीक है। तो मैंने एक एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनके मुतालिक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने वो कर दी, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान साहब, ठीक है, और आपको पता है इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पे काम किया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली ये एक बुनियाद है जिसके ऊपर आपने अपना आइन खड़ा करना था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ट्रिकी क्वेश्चन ये आता है, वो आपसे पूछेगा
when it was presented in the national in the assembly. तो पूरी पूरा पाकिस्तान ये 12 मार्च को जो है ना ये इधर टिक करके आ जाता है. हालांकि उसने ट्रिकी ये बनाता है कि when it was, देखें बिल प्रेजेंट होना और पास होना दो अलहदा चीज़ें. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. स्पेशली 2020 के पेपर में उसने पूछा हुआ था असिस्टेंट पुलिस के कि सात when was the objective resolution presented in the assembly. तो प्रेजेंट 7 मार्च को होता है 1949, पास 12 मार्च को होता है. ठीक है, तो ये भी एक्ट पास होता है, प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट. ठीक है, ये बेसिकली जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हमको टारगेट करने के लिए कि जी जो है उस सेंस में ये पास किया जाता है. फिर लियाकत अली खान साहब के दौर में लियाकत नेहरू पैक्ट भी होता है, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं. यानी कि रेफ्यूजीज की जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में ज़रा माइग्रेशन वगैरह हो रही थी, तो उस सेंस में ज़रा प्रोटेक्शन के लिए दोनों गवर्नमेंट्स ने आपस में पैक्ट साइन कर लिया. ठीक हो गया. अच्छा, एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था कि जिसमें गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए सम पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दैट कॉन्स्पिरेसी. तो अयूब खान साहब उस वक्त डिस्कवर कर लेते हैं. तो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस भी इन्हीं के दौर में होता है. और आपको पता है कि वन पर्सन वॉज अलेज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन दैट कॉन्स्पिरेसी केस. एक बहुत फेमस पोइट है हमारे, वो किसके एडिटर थे? पाकिस्तान टाइम्स थे? चेक करिएगा जरूर. ठीक है, अच्छा. और लियाकत अली खान साहब को असैसिनेट किया जाता है 16 अक्टूबर 1951 को, और इसी वजह से उनको टाइटल क्या मिला है? शहीदे मिला. ठीक है, लियाकत अली खान साहब के असैसिनेशन के बाद आपके जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर आपके आते हैं वो हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन. ठीक है, मगर ये इनको डिसमिस कौन कर देता है? ये चीज़ मलिक गुलाम. ठीक है, एज अ गवर्नर जनरल ही डिसमिसेस ख्वाजा निज़ामुद्दीन. तो अच्छा, फिर आप आ जाएं मोहम्मद अली बोगरा पे. ठीक है, मोहम्मद अली बोगरा मैंने इसी के अंदर बेसिकली मेंशन कर दिया है. मोहम्मद अली बोगरा का टेनोर है अप्रैल 1953 से अगस्त 1955 तक. इनके दौर में बेसिकली ये जो है ना पाकिस्तान ज्वाइन करता है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बगदाद पैक्ट जिसको कहते हैं. ठीक है, फिर सीएटओ, SEATO. ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये ज्वाइन करता है. तो सेंटो पाकिस्तान ज्वाइन करता है सितंबर 1955, सीएटओ पाकिस्तान ज्वाइन करता है सितंबर 1954. ये आपने लाजमी याद रखना है, सीएटओ सेंटो लाजमी पूछता है. और सेंटो जो है इसका पुराना नाम अगर आपने सुना हो वो है बगदाद पैक्ट, लेकिन जब इराक निकल गया था तो फिर इसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया. ठीक है, तो जो मोहम्मद अली बोगरा है उसके दौर में मेन ये चीज़ें, बाकी जो माइनर चीज़ें हैं वो मैंने लिखनी है यहाँ पे स्लाइड्स पे, यू कैन आल्सो व्यू दैट. गवर्नर जनरल जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देता है. ठीक है, और असेंबली की डिसोल्यूशन को कौन चैलेंज करता है? मौलवी तमीज़ुद्दीन. और सिंध हाई कोर्ट जो है वो कहती है कि, और मौलवी तमीज़ुद्दीन होता है बेसिकली स्पीकर ऑफ द असेंबली. तो जब गवर्नर जनरल जब असेंबली डिसॉल्व करता है तो मौलवी तमीज़ुद्दीन उसको चैलेंज करता है, और सिंध हाई कोर्ट रूल्स इन द फेवर ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन. मगर यस सर, ये वाला मौलवी तमीज़ुद्दीन का कल असिस्टेंट डायरेक्टर में एमसीक्यू आया हुआ था, यही के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसका क्या था, प्रेसिडेंट था या स्पीकर था. अब आप देख लें, दिस इज लाइव प्रूफ के कितनी वो आपका जो है सिलेबस हमने कितना टारगेटेड और फोकस रखा हुआ है. तो आपको बल्कि बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है सर. वैसा बिल्कुल 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 जैन साहब बिल्कुल माशाल्लाह, ये हमारी वही मेहनत है जिसको हमने चू अप करके इनको तैयार दे रहे हैं कि बच्चों अब खाना आपका काम है. हाँ जी बिल्कुल सर,
सर होती मुझे जब जब कुछ स्टूडेंट ये कहना कि आपका क्वेश्चन वो आया हुआ था ऐसे 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 इससे ज्यादा जो कह रही है नहीं होती बिल्कुल सर। जैन का लेक्चर ना एक जो लेक्चर होता है मैं आज ले रही थी पाकिस्तान प्लेयर्स के पीपीएससी के लेक्चर्स वो एक लेक्चर ना आप ढाई घंटे में अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है ना तब आप उसे नोट डाउन कर सकते हो ऐसे ही मतलब वो एक एक बात एक एक छोटी छोटी बातें बिल्कुल ऐसे जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ना इन्होंने बताई हुई और ये सारी बातें जो आपको बता रहे हैं एक एक बात इम्पोर्टेंट है और ये वो बात है जो पेपर में प्रैक्टिकली आने वाली है मतलब कोई भी चीज आपको वो नहीं दी जा रही जो यूजलेस है जो आप खुद कहें कि आउटडेटेड बुक्स को लेके आप डटे लगाएं ये वो चीजें जिसको चू अप करके जो फाइनल आउटकम है माशाल्लाह वो जैन साहब आपसे शेयर कर रहे हैं। सर पहले पूरे पेपर स्कैन किए हैं पहले पूरा पैटर्न देखा है उसके मुताबिक बिल्कुल ऐसी सिलेबस बनाई उसके मुताबिक यही मैं स्टूडेंट्स को काफी दफा बताया है कि हमने ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले 6 मंथ का होमवर्क किया है जस्ट के वो सिलेबस को बनाना कैसे और डाटा को कलेक्ट किया आप खुद ही देखेंगे कि इससे बाहर एमसीक्यू जाएंगे नहीं एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं बाहर जाने के। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल और सर वही एमसीक्यूज हैं जो कि एफपीएससी में भी हैं पीपीएससी में और यही चलते सेम 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 यही चलते रहने हैं सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स हर बैच के जोन से इंशाल्लाह वो एग्जाम में टॉप पोजीशन पे लगते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। तो मौलवी तमीजुद्दीन वकाल उसने आपसे पूछा हुआ है तो आप उसमें फिर ये लिखेंगे कि ही वाज द स्पीकर ऑफ द असेंबली डिसॉल्वड असेंबली तो ये चैलेंज करते हैं कि जी गवर्नर जनरल ने किस तरह डिसॉल्व कर दी तो सिंध हाई कोर्ट इनके फेवर में रूल करता है कि यस यू आर राइट गवर्नर जनरल अपनी पावर को इस तरह नहीं कर सकता मगर फेडरल कोर्ट और आपको पता है कि किस कोर्ट का नाम पहले फेडरल कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का नाम पहले था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट रूल करती है गुलाम मोहम्मद की यानी कि फेडरल कोर्ट सिंध हाई कोर्ट से बड़ी है तो फेडरल कोर्ट रूल करती है इन द फेवर ऑफ गुलाम मोहम्मद और आपको पता है कि उस वक्त वो एक डॉक्ट्राइन देती है कि जी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जरूरत पड़ी कर सकता है यानी अगर उसको लगे कि जी हालात ऐसे हैं मुल्क नहीं चल सकता तो ही कैन डू इट तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है ये बेसिकली जो है ना इट वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली और द आर्बिट्री पावर ऑफ द गवर्नर जनरल। तो इसी तरह ही मोहम्मद अली बोगरा साहब की जो है हमारी हिस्ट्री फारग हो जाती है। चौधरी मोहम्मद अली साहब आते हैं ठीक है मोहम्मद अली यहाँ पे हाँ ये लिखे हुए हैं बोगरा के बाद जो है चौधरी मोहम्मद अली साहब आते हैं और आपसे पेपर में वो पूछेगा कि जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो आपका कौन होता है प्राइम मिनिस्टर इनके बारे में एक ही सवाल बनता है मतलब जो मोस्ट पॉपुलर है वो एक ही है कि जी आपके चौधरी मोहम्मद अली साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर होते हैं जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है और इसके बाद जो है ना टोटल आपके चौधरी मोहम्मद अली यानी कि फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हो गए फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आगे जो तीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं पूछता मिसाल के तौर पर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ये सेप्टेम्बर 1956 से अक्टूबर 1957 तक आता है इसके बारे में कोई वो इतना खास नहीं पूछेगा सिर्फ ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ऑर्डर इनका ऑर्डर याद रख लें आई आई चंद्रीगढ़ जो है वो आपसे सवाल पूछता है कि जी आप ऐसे वजीर आजम का नाम बताएं जो सिर्फ जिसको वजारत 6 हफ्ते के लिए नसीब हुई है तो वो ये आपके इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ हैं ठीक है यानी कि अक्टूबर 1957 से दिसंबर 1957 और आपके जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर As far as this section is concerned, so he was Firoz Khan Noon, 7th Prime Minister of Pakistan, December 1957 से अक्टूबर 1958 तक और इनके दौर में बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है क्या कोई बता सकता है क्या होती है गवादर परचेज किया जाता है और इनका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें तो आपने फिरोज खान नून को जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है लेकिन जो है वो इस्कंदर मिर्जा वो उस टाइम गवर्नर जनरल होता है ठीक है और गवर्नर जनरल ये बेसिकली अभी जो मैंने आपको बातें बताई है ना ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ठीक है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा जब अच्छा सर एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व किसने किया और एक आता है फर्स्ट मार्शल लॉ किसने किया इसमें सर कोई है डिफरेंस? हाँ बिल्कुल देखिए मार्शल लॉ लगाना है समथिंग एल्स ठीक है असेंबली का रीसेट बटन दबा देना
वो भी एक जो है वो डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट मार्शल लॉ, बेसिकली अभी मैं इसी पे ही आ रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट मार्शल लॉ है ना इसी पे ही मैं आ रहा हूँ मैं, और मुझे आप बताइएगा कि इसमें आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो है कि नहीं, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ये इस्कंदर मिर्ज़ा व्हेन ही बिकम्स द गवर्नर जनरल, और उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सॉरी प्रेजिडेंट जब बनते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, साइटिंग द कि जी मुल्क में बड़ी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ही टर्न्स टूवर्ड्स द मिलिट्री, और ये अयूब खान को जो है वो बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 अक्टूबर 1958। ठीक है, यानी कि 1958 7 अक्टूबर, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ 7 अक्टूबर 1958 प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं मार्शल लॉ। ठीक हो गया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। और अयूब खान को 24 अक्टूबर यानी कि आप देख रहे हैं तकरीबन 21 दिनों के फासले से, 21 दिनों बाद इसको 24 अक्टूबर को अयूब खान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, और ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि 3 दिन बाद, ये देखिए 3 दिन बाद अयूब खान को जो प्राइम मिनिस्टर बनाता है अयूब खान उसी को ही किक आउट कर देता है। तो नॉर्मली इट इज़ अगर आपको थोड़ा सा इसमें ये है, अगर इसको डेप्थ में देखा जाए तो इट वॉज इस्कंदर मिर्ज़ा हु बेसिकली, देखें जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया और आपने यू टर्न टूवर्ड्स द मिलिट्री, तो मार्शल लॉ ही आपने लगाया ना, मतलब दैट इज़ अ डिफेक्टो मार्शल लॉ। तो अगर टेक्निकली इसको देखा जाए तो इस्कंदर मिर्ज़ा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट द टू डिक्लेयर द मार्शल लॉ, लेकिन अयूब खान जब प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्रेजिडेंट को भी कर देता है, ठीक है, सो दैट वॉज, अगर आपको ऑप्शन में जो है अयूब खान नजर आ रहा है, इस्कंदर मिर्ज़ा नहीं है, तो गो फॉर अयूब खान, लेकिन अगर इस्कंदर मिर्ज़ा भी है तो फिर मैं उसको प्रेफर करूँगा। तो वैसे तो नॉर्मली जो है ना कंसिडर ये किया जाता है कि जी 1958 को अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और जो प्रेजिडेंट है उसको ही फोर्स्ड हिम टू Yes, sir. Question भी इसी तरह ही तकरीबन आता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिसॉल्व किया, तो वो उसके लिए इस्कंदर मिर्ज़ा हो गया, और अगर मार्शल लॉ की बात है तो फिर अयूब खान आ गया। Exactly. तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है ना वो लेके आना है। ठीक हो गया स्टूडेंट? ठीक है। ये जो है ना आपका आपकी मेन देखिए जो इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप डिटेल में जितना मर्जी चले जाए, लेकिन आपके मेजर पैरामीटर्स आपके ये हैं जिनके अंदर वो रह के आपसे पूछेगा, और इसमें से आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप मजीद एग्जाम भी देंगे कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, इन्हीं के अंदर जो है ना वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो पोस्ट पार्टीशन में मोस्टली यही चीज़ें हैं। अब एक दो देखें चीज़ें वो और आती हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको सवाल आ जाए, ये जस्ट मैं सर मैं सिर्फ एक आधा मिनट और लूँगा। मिसाल के तौर पे अब एक आधा सवाल आपको आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ, वन यूनिट पॉलिसी, ये आप देख रहे हैं कि जो बोगरा है बेसिकली ये प्रपोज करता है वन यूनिट पॉलिसी। वन यूनिट पॉलिसी का मतलब है कि जी आपने जो वेस्ट है आपने सारे सूबे मिला के वो एक सूबा बना दिया, यानी कि अब ना कोई सरहद है, ना कोई पंजाब है, ना कोई सिंध है, ना कोई बलूचिस्तान है, अब सारा वेस्ट पाकिस्तान एक कट्ठा सूबा है। तो ये वन यूनिट पॉलिसी थी आपकी, तो वन यूनिट पॉलिसी को ये 1955 में इम्प्लीमेंट होती है और पूरा वेस्ट पाकिस्तान का जो है ना एक बड़ा सूबा बन जाता है, यानी कि हमारा पूरा पाकिस्तान, ये जो अभी है करंट लैंड ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा एक सूबा बन जाता है, ये वन यूनिट पॉलिसी है। फिर 1970 में इसको रिवर्स किया जाता है, इस पॉलिसी को, वन यूनिट पॉलिसी को, जब ये रिवर्स होती है तो रिवर्स होके ये चार सूबे बन जाते हैं। वो आपसे पूछेगा जी व्हेन वाज बलूचिस्तान मेड इनटू अ प्रोविंस, तो उसमें 1970, क्योंकि फिर वो 1970 के तहत जो है वो चार सूबे बन जाते हैं जिसमें बलूचिस्तान भी एक था। पहले ये था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, तो मतलब वन यूनिट से पहले की बात कर रहा हूँ, इट वाज गवर्न्ड बाय अ चीफ कमिश्नर। तो वन यूनिट का आपसे वो पूछ लेगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि जी आपका फेडरल कैपिटल कब बना है, इस्लामाबाद कब बना है 1960 में। तो मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं जो आपके पोस्ट पार्टीशन से लिंक्ड हैं, तो यही आने हैं उसमें,
और ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं इन्हीं चीजों की है। ठीक हो गया जी। तो आई होप के जिन जिन लोगों में थोड़ा सा था कि जी वो पोस्ट पार्टीशन जरा एक बार रिवाइज कर लें, तो आई होप दिस हैज फुलफिल्ड योर एपेटाइट एज फार एज दिस पोस्ट पार्टीशन इज कंसर्न। सर जी स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका पाक अफेयर्स के बारे में, जो खास तौर पे पोस्ट पार्टीशन के बारे में जरा ज्यादा परेशान थे? चलें जी, थैंक यू जैन साहब, नाउ वी विल कंटिन्यू। सबसे पहले तो आज माशाल्लाह मुझे ये बात पता चली कि जो हमारा अब बैच स्टार्ट हुआ है, बैच 26, इसमें माशाल्लाह हाफिज मोहम्मद बिलाल कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह आपकी दुआएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताएं बच्चे कैसा रहा आपका फर्स्ट वीक, लेक्चर्स कैसे रहे, कोई प्रॉब्लम अब तक, कोई चीज समझ ना आई हो? हसन बेटा, आप नुमान बिलाल? जी सर, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बड़ी चीजें समझ आ रही हैं जो। गुड गुड गुड, यही बच्चे हमारा मेन पर्पस है। आपको आज जैन साहब का लेक्चर लेके खुद भी पता चला होगा कि जस्ट एज वी ऑर्गेनाइज द थिंग इन सच अ वे दैट कि आपकी एफर्ट रिड्यूस हो, हमारा काम ही ये है कि हम बेसिकली आपकी एफर्ट रिड्यूस करें और आपको मैक्सिमम जो आंसर है वो मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। और वही बात जो सना कर रही थी कि आप इन लेक्चर्स को जब नोट डाउन करने बैठे तो ये 3 घंटे में भी जो आंसर खत्म ना हो जितना आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा होता। सर जैन का लेक्चर ऐसा है, मतलब मैं सुन रही थी ना, तो वो आप एक एक चीज ना उन्होंने बताई हुई है, बहुत कम चीजें जो आपको ना कंफर्म करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसी जैन साहब माशाल्लाह, जैन साहब का एक एक्सपीरियंस है खुद भी एक डाइवर्सिफाइड फील्ड में। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। जैन साहब से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक है जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बार बार सर्च करते हैं। कोई आपने केस ऐसा सुना है कि ग्रेड 17 की जॉब पर रिजाइन दे फिर दोबारा जो है इंडक्शन प्रोसेस में जाए और फिर दोबारा अच्छी सीट ले, कभी सुना ऐसा? नहीं सर, कोई ऐसा केस नहीं देखा होगा। और जैन साहब ऐसे रिस्क लेने वाले बंदे हैं कि माशाल्लाह मेरी उनकी रफाकत को आज कुछ 6-7 साल शायद हो चुके हैं, और इस दौरान भी अगर देखा जाए तो माशाल्लाह वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स जो जस्ट लाइक स्टार्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर ये SNGDL से था, फिर सुई गैस आई, उसके बाद वापडा आई, फिर पता नहीं कौन कौन से रब जॉन से माशाल्लाह हेड ऑफिस लाहौर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर के हेड लगे हुए आजकल। और अभी इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को मैंने डिस्क्लोज नहीं करनी क्योंकि वो डेस्टिनेशन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बुरी नज़र से बचाए, वो भी अचीव हो चुकी है और जल्द आपके होते ही वो आपसे शेयर किया जाएगा। कि नहीं जैन साहब, बात बताऊं? जी जी, आपने एक बात की थी कि हमारे एक फैकल्टी मेंबर है जो एक मतलब कि FIA में पोस्ट होने वाले हैं। हाँ जी, पहुंच गए, मुझे पहुंच पता भी है, मुझे पता भी है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है, किसी ने भी नहीं। ये मैंने ही बताया था ना, अब आपको आइडिया हो गया कि ये एक ही नेचर ऐसे है। सर आज से नहीं, मुझे 3 दिन पहले से पता है। अच्छा, कैसे पता चला था फिर, ये भी बताएं? सर ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। अच्छा चलो, सही है। तो बरल स्टूडेंट्स, ये इस तरह के मामला थे और हम आपको भी यहाँ देखना चाहते हैं। मतलब मैंने तो 7-8 साल गवर्नमेंट का भी मजा चखा है, उसके बाद फॉरेन फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, USAID, MDF, सबके साथ काम किया है। और शायद मतलब आप लोगों की वो एक ड्रीम में भी ना हो कि हम कितना मतलब वहाँ से एडवांटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें ग्रेड 17 को, तो वो हमारा एडवांटेज होता था व्हेन वी आर ऑन फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू सी यू एट दिस स्टेज। और मैं आप लोगों के लिए ये चाहता हूँ कि 17वें ग्रेड से नीचे तो सोचे ही ना आप। ठीक है ना, हमारा बेसिक पर्पस आपको खुद भी यहाँ फील होगा कि यार ये लोग किदारा चला रहे हैं तो इनका बेसिक मॉडल क्या है, ये अर्निंग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद भी यहाँ फील हो रहा होगा कि हमारा मेन मकसद जो उनसे है वो वैल्यू ऐड करना है, ना कि कोई बहुत ज्यादा कमाना है यहाँ से। ठीक है, तो हम आपसे भी यही चाहेंगे कि अच्छे इंसान बने, वो जो मुआशरे में एक पॉजिटिविटी लेके आए। और जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो गए, यू कांट इमेजिन कि हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। और दिस इज वॉट द एक्चुअल इस्लामिक प्रीचिंग्स आर। तो जी हसन, कुछ कहने लगे थे? नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन? तो जी अब कल जैन साहब की क्लास मैं ले लूंगा। नो सर।
जैन साहब ने मेरी जगह क्लास ले रही तो अब कल उनकी क्लास ऑन सी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, आज आपको पोस्ट पार्टीशन कह रहा उन्होंने क्लियर करवा दिया। स्टार्ट हमने बेसिकली मैप से करना है, करंट अफेयर से करना है, उसकी बेसिक मैं नो हाउ आपको दे देता हूँ। बाकी जो प्रॉपर लेक्चर करंट अफेयर का वो हम कल वाला लेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स में मज़ा नहीं आना आप कुछ तो उसको पूरी तरह कवर अप करें। जस्ट 15 मिनट्स का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, जिसको खास करके बिलाल जॉन से वो इंडोर्स करेंगे जब उन्होंने पेपर देखे होंगे कि किस तरह ये सब कुछ चल रहा होता है। सो करंटली स्टूडेंट वी आर सेटिंग इन पाकिस्तान एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी जीके पाक अफेयर। अच्छा एक बात मेरे जहन से निकल जानी, जैन साहब आपसे पाक अफेयर के जो नेशनल एमसीक्यू उनकी बात कर रहे थे उसमें एक सवाल और पूछा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि पाकिस्तान में टोटल कितनी स्टॉक एक्सचेंज है, तो बता सकता है? नो सर आईडिया नहीं। बिलाल 3 स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली हैं जो मर्ज हो गया, बेक हो चुकी है, पर ये क्वेश्चन आता है 3 स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी एक उसी पोस्ट वाले एरा में ये भी लगता है यहाँ पे। तो नाउ वी आर सेटिंग इन पाकिस्तान, सबसे पहली बात ये कि आपने डायरेक्शन कैसे देखनी है। तो बच्चे वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है आपने उसको याद रखना है, यू हैव टू प्लेस दैट वी ऑन दिस मैप। जब आप यहाँ पे वी लिख देंगे तो डब्ल्यू जॉन से आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, ई आपके राइट साइड पे आएगा, मींस योर लेफ्ट साइड इज वेस्ट एंड राइट साइड इज ईस्ट, अपर साइड इज नॉर्थ एंड डाउनवर्ड साइड इज साउथ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। सबसे बड़ी बात की डायरेक्शन देखना, ठीक है? तो आपका वेस्टर्न बॉर्डर जोन से वो ईरान और अफगानिस्तान से शेयर होता है, आपका नॉर्दर्न साइड जोन से वो सेंट्रल एशिया चाइना। जी बेटा सर आवाज कट गई थी आपकी, सर दोबारा बता दें डायरेक्शन के बारे में। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना उसको लिख के आपने डायरेक्शन को लर्न करना है। जस्ट लाइक अगर पाकिस्तान की डायरेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ वी लिख दें, डब्ल्यू आपका लेफ्ट साइड पे आ गया, ई आपका राइट साइड पे आ गया, सो योर लेफ्ट साइड इज वेस्ट एंड राइट साइड इज ईस्ट। एक और एग्जांपल ले लें जिसके बारे में सवाल आता है, ये मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, तो रेड सी में आप लिख दें वी, जब लिखेंगे तो आपका जो ई है वो आएगा राइट साइड पे जहाँ सऊदी अरब है, और जो आपके लेफ्ट साइड है वो इजिप्ट और इसराइल और आगे ये सूडान वगैरह ये आ जाएंगे। क्लियर? यस गुड। अब सवाल इस डायरेक्शन के बारे में पाकिस्तान का तो आता ही आता है, पाकिस्तान के जो नेशनल और रीजनल अफेयर है आपको पता होना चाहिए, इंडिया है, ईरान है, चाइना है, आपके एक साइड पे इंडियन ओशन अरेबियन सी है, एक साइड पे आपके सेंट्रल एशिया है, ये जो सेंट्रल चाइना वाली साइड नॉर्दर्न साइड आपके सेंट्रल एशिया की आ जाती है, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ आपके क्या मामला चल रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो डायरेक्शन का सवाल आता है वो आपको आता है इन सीज के बारे में, अक्सर पेपरों में देखेंगे रेड सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है? वो ये भी पूछ लेता है कि रेड सी इज इन अ साउथ ऑफ डैश यूरोप की ऑप्शन दे सकता है, ठीक है? या वो आपको ये भी पूछ लेता है कि माल्टा के बारे में अक्सर वो सवाल पूछता है, यहाँ रेड सी के पास है छोटा सा, या वेटिकन सिटी के बारे में सवाल पूछता है, ठीक है, कि वो मेडिटेरियन सी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है, तो वो ऊपर आपके नॉर्थ साइड पे। क्लियर ये बात भी? यस सर। गुड। फिर आपके पेपर में एक रिपीटेबली सवाल आता है मेरे बच्चों कैपिटल का। कैपिटल के लिए आपको 196 कंट्रीज के कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेमोराइज दिस 12 लैंडलॉक कंट्रीज। लैंडलॉक कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिनको डायरेक्ट जोन से कोई वाटर एक्सेस नहीं होती, उनके साइडों पे जो कंट्रीज हैं वो जमीनी रास्ते से उनको एक्सेस करना पड़ता। ये जो आपकी 12 लैंडलॉक कंट्रीज सेंट्रल एशिया में है इनके कैपिटल आपसे पूछे जाते हैं। ईस्ट यूरोप में ये बाल्टिक स्टेट है, दीज आर नोन एज बाल्टिक स्टेट ड्यू टू बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लेटविया, लेटवाना, इनका कैपिटल आपसे पूछता है, इन्हें कहते हैं बाल्टिक स्टेट। इसके बाद हमारे साथ आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनका कैपिटल आपसे पूछता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, दीज आर नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड दीज आर फेमस फॉर 100% लिटरेसी रेट, 0% क्राइम रेट एंड मोस्ट पीसफुल लिविंग ऑफ इन द वर्ल्ड।
ठीक है जी, क्लियर? यस सर। उसके अलावा आपसे जो कैपिटल पूछता है वो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज से पूछता है। यस सर, कल ये असिस्टेंट डायरेक्टर में अंगोला का पूछा हुआ था उसने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर क्या हमारा ये भी आपको बताया हुआ हिंट साबित है या नहीं? यस सर, बहुत अच्छा। असल काम ये बिलाल, बच्चों को पढ़ाने से पहले हम उस स्टेज पे गए हैं जब हमने खुद ये सारा कुछ किया है, फिर हम उस स्टेज पे बैठे हैं जब हमने खुद इंडक्शंस किए हैं, पेपर बनाए हैं, फिर हम वापस लौट के आए कि अच्छा यार ये तो ये साइकोलॉजी जो सारी पीछे चल रही होती। और एक यस सर, ये वैसे रट्टा लगाने में और इस तरह मैप देख के याद करने में अलग ही मजा है। जमीन आसमान का फर्क, आप रट्टा लगा ही नहीं सकते इन चीजों का। बिल्कुल सर, ठीक है ना। आपको ये इंशाल्लाह ताला जो कल का आपका करंट अफेयर का लेक्चर होगा उसके बाद ये चीजें खुद ही आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। जो बात आपको पहले दिन कही थी कि इन चीजों को आपने मेमोराइज करना, तो जो आपके कैपिटल है उसके लिए आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 12 लैंडलॉक कंट्री, उसके बाद ये जो आपकी बाल्टिक स्टेट कहलाती हैं ये, और लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज, सिर्फ इनके कैपिटल आपने तैयार कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं जनाब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। ऑर्गेनाइजेशंस के जो आपको सवाल आते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। As an examiner, we are going to divide your paper into two basic domains. One is your GK, general knowledge, that is past knowledge, or other is your present current affair, present happenings. और further इन दो domains को तीन हिस्सों में divide किया जाता है, national affair, regional affair, इंटरनेशनल अफेयर। जस्ट लाइक अभी जो जैन साहब आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पोस्ट पाक अफेयर टाइम पीरियड के, ठीक है, पोस्ट पार्टीशन के, सॉरी, तो ये जो सा आपके क्वेश्चन थे ये सारे आपके जीके में जाते हैं नेशनल के खाते के। और जब पेपर बना रहे होते हैं तो हमने इन तीनों डोमेन्स को टच करना होता है, ये मुमकिन ही नहीं कि एक साइड से सारे सवाल उठा के आपको दे दें। So when you are preparing, you have to cover these all domains if you want to achieve highest marks. सोचें एक बच्चे को national affair बहुत अच्छे आते हैं, उसको regional का नहीं पता, international का नहीं पता, वो फारिक पूरे paper में फारिक हो जाना, क्योंकि ये paper मेरे बच्चों दर हकीकत 100 number का नहीं होता, ये 10 number का paper होता है जो top most है, बाकी 70 वाला 70 marks लेके भी वहीं खड़ा होता है, और 30 वाला या जो appear नहीं हुआ वो भी वहीं खड़ा होता है। So what is the actual target? That is organize your work in such a way that कोई loophole ना रहे जहां से आपके marks कट सकते हैं। जब भी आपने MCQs पढ़ने, आपने तीनों domain देखना है, पहले national को अलग करने, region को अलग करने, international को अलग करने। ठीक है, तो अब जब आपने इसको याद करना है तो इसमें फिर organizations को भी आपने इन्हीं तीन खातों में डालना है। पहला खाता हमारा आ जाता है national का। नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, जस्ट लाइक यूएन है तो वो नेशनल पे भी कर रही है, इंटरनेशनल पे भी कर रही है, रीजनल पे भी कर रही है, ठीक है, तो ये सब खातों में आ जाएगी। तो नेशनल में अगर आप किसी का नाम, अभी जो प्रेजेंट आपसे पूछा जा रहा है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आप इकट्ठी इनके नाम में आपको लिखवा रहा हूँ, इनके कैपिटल आपने लिखने, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, कि इनके हेड ऑफिस कहाँ पे है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि इनको कौन हेड कर रहा है, जो इनका सर्विंग प्रेसिडेंट है या इनका जो उनसे जनरल सेक्रेटरी वो कौन है। फर्स्ट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। रीजनल के खाते में जनाब आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन आसियान और सार्क। साउथ एशियन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन सार्क है और ईस्ट एशियन कंट्री की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आसियान है। इसी तरह यूरोप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूरोपीय यूनियन, और ब्रेक्जिट उस रेफरेंडम का नाम है जिससे ग्रेट ब्रिटेन वाले इनसे अलग हुए थे।
उसके बाद आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, जिसपे सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं वो प्रेजेंट टाइम पीरियड में ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इट्स नॉट अ रीजनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। सर ओआईसी का भी कल इसने सेक्रेटरी जनरल पूछा हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड। फिलहाल आपको बस काम ये कि आपने हमारी बातों की तस्दीक करनी, क्या जो हम कह रहे हैं पेपर में आता है या नहीं आता। सर काफी चीजें आती हैं, मतलब ये कल दिया ना एक्सपीरियंस, बहुत सी चीजें उसमें रिपीट हुई हैं जो लेक्चर लिए हैं पहले। जस्ट आप ये 40 डेज के जब सेशन अपना पूरा करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम डिफरेंस कहां से क्रिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप ही लोग वो है जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, या जमील या सबा मेरे स्टूडेंट होकर पढ़ा रहे हैं, कल को आपको सना ने पढ़ाना, इंशाल्लाह ताला आप में से लोग निकलेंगे जो इंशाल्लाह इस सोशल बिल्डिंग के काम को लेके चलेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सना ने तो खुद ही कह दिया था ना लास्ट मंथ वाले सेशन में, इंशाल्लाह आप भी अगले साल आप ये कह रहे होंगे कि आपने ये कहा था ना कि सर उबैद आपके स्टूडेंट है, तो आपने, मैंने कहा था सर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप कहेंगे कि सर अभी मेरे स्टूडेंट है जो आपको पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह 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 जरूर कहूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब आपकी और नेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है सबसे इम्पोर्टेंट यूएन, यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनका सवाल आता है वो दो हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल और एक यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है, क्या इसका नाम है बिलाल आप बताएं। इंटरनेशनल सर कल कल यस सर आईसीजे का भी आया हुआ था कि कहां पे है, देख लीजिए बिलाल ने फिर तस्दीक कर दी। आज के लेक्चर में देखें, कल का पेपर हमने नहीं देखा बिल्कुल कौन सा हुआ है अभी तक, लेकिन ये देख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको 5-6 एमसीक्यू बिलाल अभी आज के लेक्चर के बता चुका है जो कल के पेपर में आए और आज हम आपको करवा रहे हैं। यस सर। कल किस चीज का पेपर हुआ था? असिस्टेंट डायरेक्टर का था और सब इंस्पेक्टर का था उस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो असिस्टेंट डायरेक्टर में ये वाले क्वेश्चन रिपीट थे आईसीजे का, उसने पूछा हुआ था कि किस कंट्री में है, नीदरलैंड में। तो एक्सीलेंट बिलाल, एक्सीलेंट। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह ताला आमीन सर। आप सबको भी नुमान। आमीन सर। आप सबको भी इसी तरह देखना चाहते हैं, जरा एक्टिवेट रहे सर। अभी स्टार्ट है ना सर, थोड़ा थोड़ा सर जज करने में। बिलाल भी आपके साथ ही स्टार्ट हुआ यार, एक वन वीक ही हुआ आप सबको। सर इसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा सर, हम तो शुरू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह आप भी बाय एंड ऑफ दिस 40 डे सेशन स्टेज पे होंगे। तो इसके अलावा बच्चों एक काम आपने और करना है यार, पास्ट पेपर आपसे शेयर करवा देते हैं सना बेटा, पास्ट पेपर इनसे शेयर करें ग्रुप में, सॉल्व पास्ट पेपर। और आप सारे जॉन से ना एटलीस्ट वन पास्ट पेपर जॉन से सॉल्व, उसे रोज करके फिर सोया करें, उससे ये होगा कि जिस तरह बिलाल चीजों को रिवाइज कर रहे हैं आपको भी रिकॉल होगी साथ साथ कि जो आपने पढ़ा है वो अंदर मौजूद है। ओके सर, थैंक यू। तो यूएन जिसके दो प्रिंसिपल ऑर्गन जिसके बारे में सवाल आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे, इनके टोटल जजेस कितने हैं, इनके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, ठीक है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पर अभी आपके असाइनमेंट में है आगे जरा थोड़ी सी आपको सेल्फ वर्क की आदत पड़े और आप ये डाटा एब्स्ट्रैक्ट करके लेके आए। सर जी, जो आईसीजी है उसमें तो सिर्फ मतलब के टोटल नंबर्स मेंबर्स लिखने हैं ना? हाँ नहीं सॉरी, बेसिक और सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इनका हेड ऑफिस तो एक ही है। एक ही है, और इनका जो मेन सवाल आता है ना वो आपको इसी ही आता है कि ये दी होग नीदरलैंड में मौजूद है बस, ठीक है। लेकिन वो अक्सर पूछ लेता है कि टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है, उनकी वो जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है वो पूछ लेता है अगर वो बहुत ही बुरे मूड में हो तो, ये कि हमें ऑन सेफ साइड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा जनाब ये आपके हो गए नेशनल, और कुछ आपके और इंटरनेशनल हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। फिर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो भी OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसके अंदर भी काफी ज्यादा कंट्री अब शामिल हो गए, और वो चाइना से टिल यूरोप जो उनसे वो पूरा ट्रेड रूट है, और उसमें फिर आगे सब डोमेन्स में निकल रही है, तो ये भी आपका एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, रीजनल भी है इंटरनेशनल। सर इसका
वन बेल्ट वन रोड का भी क्वेश्चन आया था, उसका उसने पूछा था कि ये सी पैक में है या नहीं, एक्सीलेंट मतलब ये एक्सीलेंट एक्सीलेंट फिलहाल। फिर ये भी है मेरे पास, वो जिस तरह होता है ना वो एयर वाइपर होता है कि आप मोटरसाइकिल आपकी हुई और गाड़ी आपकी हुई, अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए, कुछ होता है तो मैं कहता कि चले ये भी आपका होगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन सर। उसके अलावा जनाब कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे पहले सीधा साधा नाम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आ जाता है। उसके बाद G5, G8, G10, G20 का आ जाता है। ये सब आगे आपको पढ़ाएंगे भी, जैसे जैसे जो जो पार्ट हम खोलेंगे पढ़ाएंगे भी, एक जनरल आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, इकट्ठा आपको एक ही जगह लिखवा दूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ जो हमने करनी है, इससे बाहर सवाल इंशाल्लाह नहीं जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रिटी, कॉमन वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये IR की कॉन्सेप्ट है जो आपको दे चुके हैं, सीटो सेंटो। इसके बाद एग्जामिनर के पास कुछ नहीं बचता कि वो जितना मर्जी घुमा फिरा ले, कहीं से सवाल ला के दे आपको। क्या बिलाल ये बात ठीक है या नहीं ठीक? यस सर, बिल्कुल ठीक। यानी बिलाल ने एंडोर्स कर दिया इसको, यानी कि इससे बाहर कोई सवाल बिलाल ने पेपर में नहीं देखा। यस सर, इसी के अंदर ही था। ब्रिक्स का पूछा हुआ था, ब्रिक्स की कंट्रीज पूछे हुए थे, और ये जो आपने इमर्जिंग इकोनॉमीज वाला भी बताया, ये भी पूछा हुआ था कि ब्रिक्स के मतलब के कंट्रीज जो हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं क्या? ये इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना, अभी आप सबको मैं समझ सकता हूँ नहीं पता होगा कि कौन सी डेवलपिंग कंट्री किसे कहते हैं, डेवलप किसे कहते हैं, अंडर डेवलप किसे कहते हैं, ये इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना आप। जी सर। उसके बाद अगला नाम है जी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पुराने जमाने में इससे रिलेटेड एक MFN का आता था, मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब दिया जाता था, वो आपने इंडिया को देना चाहा था तो 2010-11 में बड़ा MCQ उसका आता रहा, अब नहीं आता। तो जनाब यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जौन सी फहरिस्त पूरी होती है, इसके साथ कुछ रीजनल खाते में ब्रिक्स का नाम भी आ जाता है, SCO का भी आ जाता है, ECO का भी आ जाता है। और एक पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है आपका। सर ये भी आया SCO और क्या बताया आपने? पीस का भी है, पीस पाइपलाइन का भी है, ईरान ईरान पाकिस्तान गैस लाइन तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका रीजनल है जनाब, ये भी आपके रीजनल के खाते में जाना। SCO, ECO, ब्रिक्स, ये लिखवाए सना। लेक्चर का मजा आ रहा है सर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी 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 तो शुरू हुआ है बिलाल, अभी तो आप देखें आगे आगे होता क्या है। जी जरूर इंशाल्लाह सर। असल असल पढ़ने के बिलाल मजा ऐसे ही आता है, देखे ना आप लोगों ने एक घंटा हमारे साथ बाउंड करना है, अगर हमने नोट्स खोल के आपको बताते रहना है कि ये ए भी लिखा, ये बे लिखा, ये सी लिखा, तो उसका तो फायदा ही नहीं। बिल्कुल सर, इसी का नाम तजर्बा है कि चीजें एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास लेके आए कि बच्चों ये काम यहाँ से होना है। जी जी। और आप में से कोई ये ना समझे बच्चों कि हमको अल्लाह माफ करे को पेपर लीक आउट करके यहाँ बैठे हुए, या पता नहीं कोई आप समझे को इंटरनल इंफॉर्मेशन जो राज हम लीक आउट कर रहे हैं, एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं, और सवाल ही कोई नहीं निकालेगा कहाँ से। जी सर। तो इंशाल्लाह यू ऑल विल बी प्रिपेयर्ड एंड ग्रिल्ड अप एट दिस लेवल बाय एंड ऑफ 40 डेज इंशाल्लाह सर। नहीं जी, आपकी क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है कल, आपकी करंट अफेयर की अब क्लास होगी, पाक अफेयर की नहीं होगी क्योंकि सर जहर ने आज आपका जरा ज्यादा टाइम ले लिया, तो कल उनकी जगह क्लास मैं लूंगा जिसमें हम प्रॉपर पाक अफेयर का ये जो भी आपको की पॉइंट्स दिए इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे दुनिया के मैप का कलम ने जायजा ले लेना, ठीक है, जिसके अंदर से आपके फिर 5-6 सवाल बिलाल ने आपको बताने के सर ये भी आया, ये भी है, ये भी आया।
जी सर जरूर इंशाल्लाह, कल डिस्कशन में वेट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है अब सर, कोई आप में से किसी का क्वेश्चन तो यू में आस्क नाउ। जी बेटा एफआईए का पेपर सर। एफआईए क्या पूछ रहे, पेपर कब हुआ था, कब होंगे, कब होना, कब होंगे यार? आपको तैयारी का अच्छा टाइम मिल रहा है, मुझे तो ये भी जरा क्लूज मिल रहे हैं कि अगले महीने फिर लॉकडाउन लगने लगा। पेपर अगर लग जाता है लॉकडाउन तो आपका पेपर, हाँ जी आप उसमें गिलगित में अनाउंस उन्होंने कर दी है उनका ये लॉकडाउन लगाना है वैक्सीनेशन करने के लिए, स्कूल वगैरह वैसे बंद है, तो असल जो उनसे पेपर शेपर है वो एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ अगस्त में ही होने, तो आप बड़ी अच्छी तरह अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी, यही तो मौका है सर तैयारी का, बहुत अच्छा मौका है। और बिलाल ये वो है कि मतलब ताजा ताजा पकाए और खा जाए फिर मजा आता है। अगर आप ये कहें ना, आप देखें अमार हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन ये वेट बड़ा बुरा होता है जब तैयारी पूरी हो और आपको रिवाइज करना पड़े पेपर ना आ रहे। पेपर आते रहे फिर कोई मसला नहीं होता, कि चले जी रिजल्ट जब भी आए कोई ना कोई हो जाएगा सिलेक्ट। सर ये उन लोगों को पता चला था जिनका लास्ट सेमेस्टर था और कंफर्म नहीं था पेपर ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल मोड पे होंगे, ऐसी 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 लेकिन मेरा मुझे यही सारे स्टूडेंट से पता लग रहा है कि अभी ये जुलाई अगस्त ऐसे ही गुजरना है, सितंबर में ही होना है जो भी होना। जी सर ऐसे ही है सर बिल्कुल, और ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा है नहीं कि कुछ भी ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। चलिए वैसे सही से बताएं कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम कैसा लगा आप लोगों को, स्टूडेंट बारी-बारी अपना ओपिनियन सच्ची सच्ची। बीइंग मतलब लास्ट दो सेमेस्टर मेरे यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन थे और हमारे पल्ले तो कुछ पढ़ता ही नहीं था और पेपर्स जैसे हुए हैं ना बस अब ना पूछे। वो जहरी बात है, जब पढ़ा ऐसे तो पेपर भी फिर ऐसे ही होने ना सर। सर अच्छा खासा सीजीपीए जा रहा था लास्ट दो सेमेस्टर्स में 3.20 और हम देख के हैरान। और नेक्स्ट हमारा जो वीक है वो पूरा टेस्ट सेशन है ना, तो इसके बाद हमारी क्लासेस होंगी। नहीं आपकी क्लासेस तो पूरी होगी ना। अच्छा आपकी सीएसएस वालों की बात कर रही है, वो दूसरे पीपीएससी की बात कर रही हूँ। पीपीएससी का तो पूरा हो गया ना, पीपीएससी का तो अब वो वाला बैच खत्म हो गया, बीए शुरू हो गया, जिसने रिवीजन करनी है वो इस ग्रुप में आ सकता है। ठीक है बल्कि आप वहां पे सोच रही हूं आ जाऊं, आप तो पहले ही मौजूद हैं, आपने आपने क्या आना है, आप तो पहले ही मौजूद हैं। तो नहीं नेक्स्ट वाले जो होंगे, नहीं नेक्स्ट में आप मौजूद हैं 26 में ऐड है ना आप? जी सर। तो आप तो क्लास सीनियर हैं, आपने तो क्लासेस देनी है, आप लेती रहे क्लासेस जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। जी सर आपको अभी से हमने फैकल्टी में ऐड ऑन कर लिया हुआ है। थैंक यू सर, क्योंकि आपकी जो ये सलाहियत है ना कि क्लास खत्म हो और आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल जाए, ये वाकई रिमार्केबल है। थैंक यू सर। ठीक है तो बाकी भी अगर जॉब का इशू होता है तब होता है कि समटाइम्स इंटरनेट ऐसी है कोई, अदरवाइज मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बल्कि ऐसा ना आपने बेटा उसमें भी एक मैसेज कर देना है 24 वाले बैच में कि जिन लोगों ने रिवीजन कर दी न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है वो दोबारा अपनी एनरोलमेंट करवाए और यहाँ पे ऐड ऑन होता है। ठीक है सर, नास्ट्रा भी कह रही थी कि उसने जो है ना लेक्चर लेने हैं, तो मैंने उनसे कह दिया था कि सीएसएस वाले भी ले सकते हैं लेक्चर। हाँ ठीक है ले सकते हैं, एनरोलमेंट करवाए अपनी सिर्फ, क्योंकि इसका फॉर्म लेता है सारा प्रोसेस में आ जाए और यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। जी सर सीएसएस के क्या ओपिनियन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं स्टूडेंट्स? सर आज एसए का टेस्ट था, कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ, बस लास्ट वाली जो क्लास थी ना उसमें इंटरनेट इशू था सर, खुदूस का भी था मेरा भी इंटरनेट इशू था। अच्छा। तो उन्होंने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था तो ऐसे सारा सही था, बस उन्होंने किसी स्टेटमेंट का पूछा था। चलेंगे ठीक है, वो एक दफा देंगी टेस्ट, अभी और भी कोई मिस्टेक्स निकल के सामने आ जाएंगे कोई इशू। और बाकी ओवरऑल कैसा जा रहा है सीएसएस वालों का, फर्स्ट मंथ कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया, बहुत सही है। मतलब स्टार्ट पे तो बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि चीजें अब्सॉर्ब करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब अल्लाह खैर करेगा, तो स्टूडेंट्स खुश रहें, वादोशाद रहें, बहुत दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन योर क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।